नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपीपी की भारी वैकेंसी आने वाली है और इस बार हाथ से मौका ना चूक जाए इसके लिए ज़रूरी है कि प्रश्नों का लगातार आप अभ्यास करें। इसके लिए सबसे सही ऑप्शन रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने ही आप PYQ सॉल्व करेंगे उतना ही आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन की रिपीटेंसी बार बार होती है। तो हम लोग इस वीडियो की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें लगभग सारे PYQ सॉल्व करा जाएंगे। तो आज हम लोग पहले वीडियो में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में या लखनऊ में? तो इसमें आपका विकल्प लखनऊ सही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय वर्ष 1996 में डॉक्टर UN राव द्वारा लखनऊ के विद्या विहार में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बरेली में, प्रयागराज में, नोएडा में या मेरठ में? तो इसमें विकल्प प्रयागराज सही है। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में स्थित था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय 7 जून 2019 को लखनऊ में स्थानांतरित हो गया है। इस मुख्यालय की बिल्डिंग को सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000 में, 1991 में, 2016 में या 2011 में? तो विकल्प पहला यानी 2000 एकदम सही है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया भारत का 27वां राज्य है। इसकी राजधानी देहरादून है। चार धामों में प्रमुख बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यहाँ के चार प्रमुख तीर्थस्थल हैं। वर्ष 2000 से 2006 तक इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दिया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन से, सिख से, ईसाई से या बौद्ध से? तो कांपल मेला जैन से जुड़ा है। कांपल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कांपल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कांपल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। कांपल में 1400 वर्ष से भी प्राचीन निर्मित एक दिगंबर जैन मंदिर है जहाँ भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता या भाषा परीक्षण? तो इसमें भाषा परीक्षण एकदम सही विकल्प है, यानी भाषा परीक्षण चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता परीक्षण, आयु पात्रता जाँच तथा लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं, जबकि अलग से भाषा परीक्षण चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में ही समाहित है। अगला प्रश्न, पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशावमेघ घाट पर किए जाने वाले दशावमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान शिव ने या देव काली ने? इसमें विकल्प भगवान ब्रह्मा एकदम सही है। दशावमेघ घाट वाराणसी में गंगा तट पर सब बसे 84 घाटों में से एक है। दशावमेघ का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशावमेघ यज्ञ किया था जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? तो इसमें विकल्प परमवीर चक्र एकदम सही है। भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है जिसकी शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हैं।
अब तक कुल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। अंतिम बार 3 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार एवं योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। भारतीय वीरता पुरस्कारों की रैंकिंग घटते क्रम में इस प्रकार है, यानी सबसे पहले परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। यानी सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर है, फिर उसके बाद अशोक है, फिर कीर्ति चक्र है, फिर शौर्य चक्र है। अगला प्रश्न, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? रोजर बैकन ने, सर फ्रैंक वीटल ने, जेम्स वॉट ने या लुइस एडिसन वाटरमैन ने? तो इसमें विकल्प आपका सर फ्रैंक विटल एकदम सही है। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विटल ने 1907 में किया। यह इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन था। जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था तथा रोजर बैकन ने सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था। लुइस एडिसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीआईबो या कोरा? तो कोरा एकदम सही विकल्प है। ट्विटर, फेसबुक या वीआईबो एक सामाजिक मीडिया नेटवर्किंग क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, लेकिन कोरा एक अमेरिकी वेबसाइट है जो लोगों को किसी भी प्रश्न के पूछने तथा उस प्रश्न का उत्तर पाने का मंच उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? केरल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो विकल्प मध्य प्रदेश एकदम सही है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कुल वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्र के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य राज्य अवरोही क्रम में इस प्रकार हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रियाल या यूरो? तो विकल्प यूरो एकदम सही है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है, यहाँ इसी मुद्रा का प्रचलन है। देखिए, डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान की मुद्रा है। रियाल कतर की, यमन की, सऊदी अरब की, ओमान की और ईरान की मुद्रा है। इसके अलावा पाउंड या पाउंड जो है सीरिया की, सूडान की, मिस्र की, ब्रिटेन की और आयरलैंड की मुद्रा है। अगला प्रश्न, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। मालदीव की राजधानी माले है, मलेशिया की कुआलालंपुरम है और मंगोलिया की उलानबटोर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना या अटलांटा? तो अटलांटा एकदम सही विकल्प है। न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख राज्य हैं, जबकि अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्राचीन राज्य है तथा सर्वाधिक आबादी यहीं निवास करती है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महल, बंगाली या हिंदी? तो महल इसमें सही विकल्प है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कावरत्ती है। यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा के अलावा महल या महल भाषा बोलते हैं। इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल और उर्दू का भी प्रयोग करते हैं। माल भाषा का प्रयोग अधिकतर मालदीव द्वीप समूह के लोग करते हैं। अगला प्रश्न, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? पुलिकली, राउत नाच, डोलू कुनीथा या घुमरा? तो घुमरा एकदम सही विकल्प है। घुमरा ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकली केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरंजक लोक नृत्य है जो वहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम के अवसर पर किया जाता है। राउत नाच छत्तीसगढ़ राज्य में यादव समुदाय द्वारा दीपावली त्यौहार के अवसर पर किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। डालू कुनीता कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो नगाड़े की धुन पर किया जाता है। इसे हलू मतस्थ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न,
काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश डैश ने की थी, यानी और किसने की थी? विकल्प है खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाकुल्ला खां या यतीन्द्रनाथ दास। तो अशफाकुल्ला खां एकदम सही विकल्प है। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर हुई थी। इस लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां ने बनाई थी। इसके चलते राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग और सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जिससे बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।